नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार और मैं हूं आपके साथ निकिता पांडे। आज बॉलीवुड अभिनेता सुनील दत्त की बर्थ एनिवर्सरी है। इस खास मौके पर आज हम आपको उनके संघर्षों की कहानी और साथ ही उनके लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि आरजे यानी रेडियो जॉकी के तौर पर की थी। सुनील उस वक्त के फेमस आरजे में गिने जाते थे। रेडियो जॉकी का काम करते हुए भी हमेशा से उनके दिल में एक्टर बनने की ख्वाहिश बनी हुई थी। और फिर साल 1955 में वो दिन आ ही गया जिसका सुनील दत्त को इंतजार था। बता दें कि इसी साल एक्टर को पहली फिल्म में ब्रेक मिला और इस फिल्म का नाम था रेलवे प्लेटफॉर्म। हालांकि इस फिल्म से सुनील दत्त को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। फिर कुछ ही वक्त बाद उस वक्त की मशहूर अभिनेत्री नरगिस के साथ सुनील दत्त को फिल्म मदर इंडिया में काम करने का मौका मिला और ये फिल्म उनके करियर की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। साथ ही मदर इंडिया ऑस्कर नॉमिनेशन की पहली फिल्म भी बन गई। अब बात सुनील दत्त की और नरगिस की हो रही है और उनके लव स्टोरी का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बता दें कि मदर इंडिया के सेट पर आग लग गई थी जिसमें नरगिस फंस गई थी और एक्टर ने अपनी जान की टेंशन लिए बगैर नरगिस को इस आग से निकाला था। ये देखकर नरगिस सुनील दत्त को पसंद करने लगी और 11 मार्च 1998 को नरगिस और सुनील दत्त ने शादी कर ली। दोनों के 3 बच्चे भी हैं जिनके नाम प्रिया दत्त, नम्रता दत्त और सुपरस्टार अभिनेता संजय दत्त हैं। सुनील दत्त को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर सत सत नमन। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।